नमस्कार। कैंसर, कैंसर यानी कर्क राशि, मैं सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम कैंसर यानी कर्क राशि की 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग जनरल है तो आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सन साइन मून साइन दोनों से आप इसको देख सकते हैं और अगले 4 से 5 दिन के लिए रीडिंग वैलिड हो सकती है। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले करंट फीलिंग्स देख लेते हैं एक दूसरे की। कैंसर और कैंसर के पर्सन की एक दूसरे के प्रति करंट फीलिंग्स क्या है, एक दूसरे के लिए वो क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं, फिर एक्शन देखेंगे कि अगले 72 आवर्स में जो कैंसर के पर्सन है वो कैंसर के लिए क्या एक्शन लेंगे और उनके लिए गाइडेंस क्या रहेगी जो कैंसर पर्सन है। तो आइए देखते हैं कैंसर के पर्सन की जो करंट फीलिंग है वो क्या रहने वाली है कैंसर के लिए। राइट नाउ द हैंग्ड वन, 3 ऑफ कप्स एंड टेम्परेंस। तो कैंसर जो आपके पर्सन हैं वो इस रिश्ते में के लिए महसूस कर रहे हैं, आपके लिए महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम रही है वो अपने टेम्पर पर, अपने गुस्से पर, अब इन चीज़ों पर कंट्रोल करने के बारे में सोच रहे हैं। वो महसूस कर रहे हैं कि जब तक इस रिश्ते, जब तक गुस्सा आता रहेगा, टेम्पर आता रहेगा, इन चीज़ों को कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो तब तक रिश्ता आगे नहीं बढ़ जाता। तो इस ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस को, इन चीज़ों को ख़त्म करते हुए वो इसमें पेशेंस लाना चाहते हैं, पेशेंटली इन चीज़ों को हैंडल करना चाह रहे हैं। और वो महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में जो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ है उसमें भी बैलेंस लाया जाए, उसमें भी वो बैलेंस लाने की कोशिश करने वाले हैं। और वो इस रिश्ते में जो ये रिश्ता थम गया है, रुक गया है, आगे नहीं बढ़ रहा है, तो वो स्पिरिचुअल ग्रोथ के बाद यानी कि थोड़ा सा समय यूनिवर्स को देना चाहते हैं। हीलिंग मेडिटेशन के बाद वो जो ये एक रिश्ता निखर कर आ रहा है, जो बिगनिंग, जो शुरुआत हो रही है, तो वो चाह रहे हैं कि इसमें उनका वो अपना नज़रिया चेंज करते हुए, जो नेगेटिविटी है उसको ख़त्म करते हुए रिश्ते को पॉजिटिव बनाना चाहते हैं अपने। या तो वो, क्योंकि वो महसूस कर रहे हैं कि अगर वो स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, हीलिंग मेडिटेशन करेंगे, तो उनका नज़रिया चेंज होगा और सब कुछ पॉजिटिव होगा। वो या तो अपने नज़रिए से देखें कि सामने वाला क्या है, या फिर अपना नज़रिया चेंज करते हुए सामने वाले की नज़र से देखें कि चीज़ें हील हो सकती हैं, चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं, चीज़ें, ये रिश्ता आगे जा सकता है। और वो महसूस कर रहे हैं कि अगर उनके साथ एक छोटा सा टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी, या फिर लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, या कुछ भी सेलिब्रेशन, एक फैमिली, एक परिवार की तरह एंजॉय किया जाता है, उनके साथ सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये रिश्ता चीयरफुल हो सकता है, खुशियों भरा हो सकता है। ये रिश्ता काफ़ी खुशहाल हो सकता है, तो इस रिश्ते को वो खुशहाल बनाने की सोच रहे हैं। और इस ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस को सोचते हुए छोड़ते हुए अपने खुद में पेशेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं और अपना नज़रिया चेंज करना चाहते हैं। उनको लगता है कि अगर वो नज़रिया चेंज करेंगे तो सब कुछ बदलेगा और इस रिश्ते में पॉजिटिविटी आएगी। अपना नज़रिया चेंज करते हुए वो एक डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट या कुछ इस तरह का सेलिब्रेशन अपने पर्सन के साथ यानी कि कैंसर के साथ महसूस कर रहे हैं। देखते हैं कैंसर, आप अपने पर्सन के बारे में क्या फील कर रहे हैं। एट ऑफ कप्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, द एम्परर। तो कैंसर, आप अभी कन्फ्यूज़न में हैं, दो राहे पर खड़े हुए हैं, आप कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। आप एक तरफ तो महसूस कर रहे हैं कि आपको सब चीज़ों को छोड़ते हुए इस, क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी नेगेटिविटी रही है, काफ़ी परेशानी रही है, ये रिश्ता रुक गया था, रुक चुका, थम चुका है,
तो आप एक तरफा सोच रहे हैं कि इस रिश्ते से लेट गो करना चाहिए, इस रिश्ते से बाहर निकल जाना चाहिए, जब तक, क्योंकि जब तक इस रिश्ते में रहेंगे कुछ ना कुछ पनौती, बाधाएं, दिक्कतें इस रिश्ते में आती रहेंगी और ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाएगा। और दूसरी तरफ आप महसूस कर रहे हैं क्योंकि दोनों तरफ से ही अभी भी इस रिश्ते में इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आपको प्यार प्रेम दिखाई दे रहा है, आप महसूस कर रहे हैं कि दोनों की दोनों तरफ से ही इस रिश्ते में प्यार है प्रेम है, तो आप महसूस कर रहे हैं कि अगर भले ही ये डिसीज़न सख्त हो सकता है, थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर समय रहते आप इसमें एक डिसीज़न ले लेते हैं, इस रिश्ते में एक बिगनिंग एक शुरुआत कर देते हैं, तो फिर से उनके साथ ये रिश्ता जो है कामयाब हो सकता है। तो आप तो राह पर खड़े हुए हैं, आप महसूस आप समझ ही नहीं पा रहे हैं, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि आप कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए। तो कुछ केसेस में हो सकता है कि आप इस रिश्ते को छोड़कर एक जब तक चीज़ें सही नहीं हो जाती, ठीक नहीं हो जाती, आप नए रिश्ते की तरफ या नई डायरेक्शन की तरफ या फिर किस नए काम की तरफ रुझान करें, और कुछ केसेस में आप इस रिश्ते में फिर से एक बिगनिंग एक शुरुआत करें। तो ये क्योंकि जो रुक कर ठहर कर सोच विचार करके ही आप सोच पाएंगे कि आपको क्या करना है। तो कुछ केसेस में आप एक बिगनिंग एक शुरुआत करना चाहेंगे और कुछ केसेस में आप इस रिश्ते से अलविदा करते हुए फिलहाल के लिए, क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी स्ट्रेस रहा है, प्रॉब्लम रही है, तो नए रिश्ते की तरफ या नए लोगों की तरफ मुड़ने की सोच रहे हैं। तो देख लेते हैं कि जो कैंसर के पर्सन हैं वो क्या एक्शन इसमें लेने वाले हैं। अगले 72 आवर्स में कैंसर के पर्सन कैंसर के लिए क्या एक्शन लेंगे। द टावर, थ्री ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जो इसका वो इसमें एक्शन यही वो लेने वाले हैं, हालांकि वो टीम एनर्जी टीम एफर्ट लगाना चाह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि तीसरा पर्सन इस रिश्ते में इन्वॉल्व है, उनके बीच में कोई तो है, चाहे वो हो सकता है वहाँ जॉब कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, या फिर जहाँ भी वो सेटल्ड हैं वहाँ कोई क्लिक हो सकता है, कोई बॉस हो सकता है, कोई पार्टनर हो सकता है, कोई भी है जो इस रिश्ते में बाधाएं परेशानियां दिक्कतें दे रहा है, तो वो अभी फिलहाल के लिए वो इस रिश्ते में टीम एनर्जी टीम एफर्ट लगाना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि ये रिश्ता उन्हें लग रहा है कि कोई पर्सन है जो इस रिश्ते को बर्बाद कर रहा है, ख़त्म कर रहा है, इसमें नेगेटिविटी है, कोई भी चीज़ ऐसी दिखाई नहीं दे रही कि फिर से रिश्ता हेल हो सके, तो क्योंकि इसमें पनौती आ रही है, बाधाएं आ रही हैं, रुकावटें आ रही हैं, पहले जैसी कुछ भी चीज़ें इस रिश्ते में नहीं रही है, तो काफ़ी इस रिश्ते को लेकर वो अभी के लिए महसूस कर रहे हैं कि समय ठीक नहीं है, वक्त ठीक नहीं है, उन्हें समय देना चाहिए, वक्त देना चाहिए, समय और वक्त के साथ जब चीज़ें ठीक होंगी तभी उन्हें इसमें एनर्जी एफर्ट लगाना चाहिए। अभी वो इस रिश्ते को लेकर काफ़ी परेशानी में हैं, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस में हैं, वो रातों की नींद हराम कर चुके हैं, वो उनको लग रहा है कि जिस पर उन्होंने सबसे ज़्यादा भरोसा किया, सबसे ज़्यादा बिलीव किया, उन्होंने ही उनके साथ धोखा किया है, उनकी पीठ में छुरा कोपा है, तो इसलिए अभी वो इस एंजाइटी स्ट्रेस को भुला नहीं पा रही है, कुछ भी उन्हें पॉजिटिव नहीं लग रहा है, कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है, तो अभी वो महसूस कर रहे हैं कि अभी इस रिश्ते से थोड़ा सा जब तक चीज़ें ठीक नहीं हो जाती, हील नहीं हो जाती, और जब तक इसका कोई सॉल्यूशन हल नहीं निकल जाता, तब तक वो इस रिश्ते में आगे बढ़ने के बारे में नहीं सोच रहे हैं, वो यही एक्शन चाहते हैं, यानी कि अगले 72 आवर्स में यही एक्शन वो लेना चाह रहे हैं कि इस रिश्ते में अभी कोई एक्शन ना लिया जाए, यानी कि इस रिश्ते में कोई बिगनिंग कोई शुरुआत ना की जाए, अभी इसमें समय इसको समय दिया जाए, क्योंकि समय ठीक नहीं है, चीज़ें ठीक नहीं है, सब कुछ ख़त्म हो रहा है, बर्बाद हो रहा है,
नेगेटिविटी आ रही है और कोई तीसरा पर्सन हो सकता है या फिर कोई घर का मेंबर या कोई नॉन पर्सन जो इस रिश्ते को ख़राब करने पर तुला हुआ है, आप इस रिश्ते में बीच में घुसा हुआ है। तो अभी के लिए वो इस रिश्ते में कोई एक्शन लेते दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो काफ़ी नेगेटिविटी, काफ़ी परेशानी, काफ़ी दुविधा इस रिश्ते में दिखाई दे रही है। तो देख लेते हैं कि इसकी का गाइडेंस क्या रहेगी, यूनिवर्स से क्या गाइड करना चाह रही है, उनका क्या मैसेज है इस रिश्ते को लेकर कि आगे बढ़ना चाहिए या अभी नहीं बढ़ना चाहिए। द सन, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स एंड टेन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स से गाइड करना चाह रहे हैं कि हालांकि वो इस रिश्ते में एक जो ये दासन का कार्ड है, ये काफ़ी खुशहाली दिखा रहा कि अगर एक बच्चे की एनर्जी की तरह बिना माइंड गेम खेले, बिना मैनिपुलेशन के, बिना किसी गलत भावना के अगर इसमें आगे बढ़ते हैं तो रिश्ता खुशहाल हो सकता है। लेकिन क्योंकि एक खाली सोचने से काम नहीं चलता, अभी इस रिश्ते में काफ़ी माइंड गेम है, काफ़ी मैनिपुलेशन है, जिस वजह से उनकी ईगो हर्ट हो रही है। अभी वो इस रिश्ते अभी उन्हें इस रिश्ते में वापस नहीं आना चाहिए, और क्योंकि अभी उनको ठेस पहुंची हुई है, अभी वो इस रिश्ते में नेगेटिविटी में है, अभी इस परेशानी से, इस दुविधा से, इस एंजाइटी स्ट्रेस से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, किसी दर्दनाक हादसे से अब भी वो गुजर रहे हैं। तो अभी यूनिवर्स चाहते हैं, यही गाइडेंस देना चाह रहे हैं कि फिलहाल के लिए जब तक इस रिश्ते में माइंड गेम है, मैनिपुलेशन है, आपकी ईगो हर्ट हो रही है, आप रिलैक्स नहीं हो पा रहे हैं, आप थोड़ा सा समय को समय दीजिए, वक्त दीजिए, और तभी आप एक बच्चे की एनर्जी की तरह एक इस रिश्ते में, जब लगे कि ये माइंड गेम खेलना, मैनिपुलेशन होना, ईगो हर्ट होनी बंद हो गई है, तो तभी इस रिश्ते में आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा। एक बच्चे की एनर्जी की तरह अगर आप एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, धीरे धीरे करके चीज़ें पॉजिटिव होनी शुरू हो जाएंगी। समय लगेगा, वक्त लगेगा, लेकिन चीज़ें ठीक होंगी। कोई बिना माइंड गेम खेले, बिना मैनिपुलेशन के अगर इसमें एक बिगनिंग, एक शुरुआत होती है तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, क्योंकि जो अंधेरी रात के बाद जो एक उजाला होता है, एक प्रभात की किरण होती है, वो एक रोशनी लेकर आती है, तो उसी उम्मीद के साथ अगर आप उठेंगे, चलेंगे, और जब लगेगा कि आपकी ईगो हर्ट होनी बंद हो गई है, आपके साथ माइंड के मैनिपुलेशन खेलना बंद हो गया है, तो एक एक बच्चे की एनर्जी की तरह अगर एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं तो धीरे धीरे करके चीज़ें ठीक हो सकती हैं। या फिर ये भी कहा जा सकता है कि अभी आपको वेट करने की ज़रूरत है, इंतज़ार करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी सिचुएशन सही नहीं है। अभी आप क्योंकि इस रिश्ते में कोई तीसरा पर्सन भी इन्वॉल्व हो सकता है, जिसकी वजह से इस रिश्ते में परेशानियां, दुविधाएँ आ रही हैं, आप इस परेशानी से उठ नहीं पा रहे हैं, अभी भी किसी दर्दनाक हादसे से आप गुजर रहे हैं। तो तभी चीज़ें ठीक होंगी जब आप इन चीज़ों से उबर जाएंगे और आपके मन में शांति होगी और ये एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेलना बंद होगा। तो अभी के लिए आप रुकिए, ठहरिए, और तभी आगे बढ़िए जब आपको, आपके मन को तसल्ली हो। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में अच्छा लगता है, पॉजिटिविटी आती है। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू सो मच।